तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप और बम्प मैप में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों तीनों सेम है, क्या तीनों कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बम्प मैप कहाँ यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट मैप कहाँ यूज होता है और नॉर्मल मैप कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले आता है बम्प मैप। बम्प मैप बेसिकली ग्रे स्केल वैल्यूज को फोकस करता है, फेक इल्यूजन क्रिएट करता है कि हाइटनेस कितना हाइट है, कितना डेप्थ है, वाइट ब्लैक और ग्रे स्केल कलर्स को यूज करके, ठीक है। और इसमें क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है तो ये डेप्थ और हाइट को आराम से कैप्चर करता है और हमें एक लो पॉली फाइल में भी अच्छा खासा डिटेल देखने को मिलता है। बम्प मैप बहुत पहले यूज होता था, अभी बहुत कम ही लोग बम्प मैप यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द जगह पे या तो नॉर्मल मैप या डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ होता है। तो अभी के टाइम पे बम्प मैप यूज़ होता भी है बट बहुत कम होने लगा है अब उसका यूज़, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट नॉर्मल मैप नहीं तो डिस्प्लेसमेंट मैप आ गया। अब आते हैं नॉर्मल मैप पे। नॉर्मल मैप बेसिकली RGB कलर्स को अपने अंदर कैप्चर करके रखता है। ये RGB कलर्स को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि लाइट बाउंस किस तरह से कर रहा है हमारे टेक्सचर पे, उसको ये कैप्चर करके रखता है। जरूरी नहीं है मेरे ऑब्जेक्ट में हाइट हो, मेरा कोई भी जो टेक्सचर है उसमें हाइट होना जरूरी नहीं है अगर मैं नॉर्मल मैप डाल रहा हूँ तो। उस नॉर्मल मैप में लाइट का फेक इल्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। वो लाइट का एक फेक इल्यूजन अपने अंदर रखता है ताकि देखने से लगे कि वहाँ पे थोड़ा डिटेल, रियलिस्टिक डिटेल है, ठीक है। बम्प मैप क्या कर रहा था, हमारा हाइट का फेक इल्यूजन रख रहा था। नॉर्मल मैप क्या कर रहा है, हाइट का फेक इल्यूजन नहीं रख रहा है बट लाइट को फेक कर रहा है, ठीक है। लाइट को फेक कर रहा है, ये भी फेक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है पर लाइट को रख रहा है, हाइट एंड डेप्थ को नहीं रख रहा है, लाइट को रख रहा है, लाइट को कैप्चर कर रहा है, लाइट के डेटास को कैप्चर कर रहा है इसने। और डिस्प्लेसमेंट मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप बेसिकली हैवी मैश हो, मैश में सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तब हम डिस्प्लेसमेंट मैप्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मैप मूवीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। मूवीज़ में किसी का फेस पे पिंपल्स या फिर कुछ भी दाग धब्बा कुछ भी दिखाना होता है तब डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करते हैं। अगर तुम कोई गेम में किसी कैरेक्टर का फेस बना रहे हो तब वहाँ पे नॉर्मल मैप यूज़ करोगे। किसी मूवी या कोई प्रोडक्शन पाइपलाइन में जा रहे हो वहाँ डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करोगे। और बम्प मैप यूज़ होना बंद हो गया है अब। बात यह आता है कि क्या हम तीनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एक साथ तीनों को यूज़ करना। तो हाँ, इन तीनों को हम एक साथ यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो नॉर्मल मैप जब हम यूज़ करेंगे तो वो जस्ट एक फेक इल्यूजन बनाएगा। एंड जैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट मैप ऐड करेंगे, अगर मेरा मेश में ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे तो वो एक्चुअल में मेरा डिस्प्लेसमेंट मैप मेरे मेश को थोड़ा सा हाइट दे देगा, डेप्थ दे देगा अकॉर्डिंग टू माई टेक्सचर। नॉर्मल मैप और बम्प मैप ये काम नहीं करता, लेकिन क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट मैप था और बहुत ज़्यादा ही सेगमेंट्स थे हमारे 3D फाइल में, तो मेरे डिस्प्लेसमेंट मैप ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट मैप ने मेरे 3D मेश को वो डाटा प्रोवाइड किया कि हाँ यहाँ पे हाइट है, यहाँ डेप्थ है। और मेरा जो 3D मेश था, जो सिंपल सा जस्ट कुछ नहीं था उसमें, जस्ट हाई रिजोल्यूशन मेश था, उसमें उसने रियलिस्टिक डेप्थ और हाइट ऐड कर दिया और वो एक्चुअल में वहाँ पे डेप्थ और हाइट होगा। डिस्प्लेसमेंट मैप हमने यूज़ किया था तब। चारों मैप है और चारों को तुम मेश में यूज़ करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चारों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हो, वो और अच्छा रियलिस्टिक अप्रोच देगा तुम्हारे टेक्सचर को, ये यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस यही बताना था कि बम्प मैप, नॉर्मल मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप कहाँ पे यूज़ करते हैं और क्या यूज़ है। इन समरी यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप है वो मूवी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन पाइपलाइन में काम आता है। गेमिंग इंडस्ट्री में अगर किसी का कैरेक्टर बनाना है, कैरेक्टर का फेस बनाना है, पिंपल्स वगैरह होने चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मल मैप यूज़ करेंगे। और बम्प मैप अब बहुत पुराना मैप हो चुका है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो मोस्टली लोग नॉर्मल मैप निकाल के काम चला लेते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री में जाना है तो नॉर्मल मैप यूज़ करोगे, प्रोडक्शन पाइपलाइन में जाना है डिस्प्लेसमेंट मैप, हाइट मैप यूज़ करोगे। टेक्सचर्स को एक साथ कंबाइन करके भी एक नया रियलिस्टिक अप्रोच दे सकते हो। जब गेम ऑप्टिमाइजेशन करने का काम आता है कि हमें गेम को कम से कम लो पॉली फाइल के अंदर हमें वेल डिटेल्ड मैश चाहिए, तब हम नॉर्मल मैप यूज़ करते हैं, वहाँ डिस्प्लेसमेंट मैप हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन पाइपलाइन में हाई, जितना हाई पॉली में जाओ, जितना हाई पॉली में जाओ उतना अच्छा होता है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करना बनता है। इसलिए मैंने बोला था कि प्रोडक्शन पाइपलाइन में जब भी जाओगे डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करना, और नॉर्मल मैप तब यूज़ करना जब गेमिंग इंडस्ट्री में हो, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री में लो पॉली फाइल्स का यूज़ होता है। और अपने हिसाब से अगर पर्सनल फाइल पर बना रहे हो तो सबको यूज़ करके देख सकते हो किसका काम क्या है और कौन तुम्हारे पाइपलाइन के सबसे अच्छा लग रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।